अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला मंडी इकाई के द्वारा क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक गौरव अत्री ने बताया कि विद्यार्थी परिषद द्वारा क्षेत्रीय अस्पताल में रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन के लगवाने के बाद कुछ समय तक रक्तदान नहीं कर सकते हैं, ताकि इसलिए विद्यार्थी परिषद का नारा है कि पहले रक्तदान करो उसके बाद टीकाकरण करो। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश के समस्त जनमानस से अपील करता है कि 18 से 44 की आयु के लोग टीकाकरण से पहले रक्तदान जरूर करें, ताकि जरूरत पड़ने पर जिला के अस्पतालों में रक्त की कमी ना हो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में इस शिविर में 25 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया। नमस्कार, गौरवत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला संयोजक मंडी। जैसा कि आप सभी ने देखा कि आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जो है रक्तदान शिविर जोनल हॉस्पिटल में करवाया जा रहा है। इससे पहले भी इस महामारी के दौरान इस रक्त की समस्या को लेकर जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पहले भी जो रक्तदान शिविर करवाया है, और भविष्य में भी अगर इस महामारी के दौरान या इस महामारी के बाद भी अगर कभी जरूरत रक्तदान की पड़ती है, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक जिम्मेवार छात्र संगठन होने का जो एक परिणाम है वो देगा और रक्तदान हर बार करता रहेगा। मुझे आप सभी से आशा है कि अगर भविष्य में किसी भी व्यक्ति को अगर रक्त की जरूरत पड़ती है तो आप आगे आएं और रक्तदान करें। धन्यवाद।